क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में 49 दिनों की जो घटनाक्रम हुए आम आदमी पार्टी की सरकार के, और उसके बाद जो दिल्ली में 49 दिन बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना राजनामा दिया, आपको नहीं लगता कि लोग उससे थोड़े निराश हैं? उस निराशा को आप कैसे संबोधित करेंगे? दिल्ली सरकार ने जिस तरह से इस्तीफा दिया उसे लेकर निश्चित रूप से कुछ संगठनों ने, कुछ व्यक्तियों ने एक प्रोपेगेंडा समाज में फैला दिया है। हालांकि दिल्ली की जनता भी ये जानती है और पूरे भारत भर की जनता भी ये जानती है कि 49 दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन 49 दिन में बिजली के दाम आधे करना, गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को पानी मुफ्त मिले ये व्यवस्था करना, 700 लीटर तक की मर्यादा तक, जनता को और ज्यादा अधिकार और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी तक ले जाने वाला जो स्वराज का कानून है, वो स्वराज कानून का बिल लाना, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो वादा था उस वादे के अनुसार तहकीकात के आदेश देना, ऐसे सभी मुद्दे जो है दिल्ली सरकार ने निश्चित रूप से अपने तरीके से एक अच्छा काम करने की कोशिश की। जब सरकार चल रही थी तब आप अगर एक प्राइवेट सर्वे हुआ था कि दिल्ली के सरकारी कार्यालय में आम आदमी जब जाता था तो उसे उस 49 दिनों में एक बहुत ही अलग अनुभव महसूस हुआ कि सादे सादे कामों के लिए जो पहले सरकारी अफसर बार बार आने के लिए मजबूर करते थे, पैसा मांगते थे, तो दिल्ली की जनता को उन 49 दिनों में सुखद अनुभव आया कि पैसा मांगना बंद हुआ, काम जल्दी होने शुरू हुए। तो यह सब बदलाव तो था, लेकिन फिर भी ये सरकार अल्पमत वाली सरकार थी, कांग्रेस के भरोसे पे थी, और जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम के बारे में भ्रष्टाचार की तहकीकात के आदेश दिए और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है जन लोकपाल कानून का, वो जन लोकपाल कानून दिल्ली सरकार में लाने की कोशिश जब हुई तो तुरंत भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ होके उन्होंने वो कानून दिल्ली विधानसभा में रखने, टेबल करने के लिए भी विरोध किया और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली जो सरकार काम कर रही थी उसका पराभव हुआ। अब यह नैतिकता का सवाल था कि विधानसभा में जब आप की सरकार का पराभव होता है तो आपने इस्तीफा देना ये जरूरी है, ये नैतिक अब जिम्मेदारी बनती है आपकी। ऐसे स्थिति में सत्ता में बने रहने के बजाय अल्पमत की सरकार की जो मर्यादाएं है उसको लांघते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देना ठीक समझा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमें सरकार चलाने के बारे में हमारे मन में कुछ आशंकाएं थी। दिल्ली की जनता हमें बहुमत से फिर एक बार चुनेगी और बहुमत की सरकार जब आएगी तो बहुत ताकत के साथ सत्ता जनहित के लिए सत्ता का अमल हम जरूर करेंगे, ये विश्वास मन में है। लेकिन लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई अल्पमत वाली सरकार और बहुमत वाली सरकार चलाने में बहुत फर्क होता है, यही एक फर्क है उसमें, ये आप समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी जन आंदोलनों को जितना जरूरी समझती है उतना ही सत्ता चलाने की जिम्मेदारी को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझती है, और आने वाले दिनों में ये हम साबित भी कर दिखाएंगे।